इसकी जो है ना हेडलाइट में लगा दी हमने एलईडी। अच्छा 180 वाट की, ठीक है। फॉग लाइट में एलईडी लगाई है, नाइट आई की 72 वाट की। मेड इन रशिया, वाइबर की डैम्पिंग है। ZXI वाला भी है, वो हम लोग लगाते हैं 6000 का। जो VXI वाला है वो लगाते हैं 45 45 ठीक है। जो है रेड लाइन सीरीज का कंपोनेंट है, कोएक्सियल है। अच्छा, स्टीरियो लग रहा है, ठीक है। कैमरा ब्लॉक पंखा लग रहा है, मीटर भी है अपना, साइड मीटर भी है, स्टीयरिंग भी टॉप मॉडल वाला लगा, टॉप मॉडल वाला ही है। अभी स्पीडोमीटर लगा दिया विद फ्रेम के साथ, 11500 का भी है। 11500 का लाइट भी लगा रहे हैं। कौन सी? K4। कितने पीस वाली भैया? 6 पीस। बाकी भाई जिस भाई को अगर ये बढ़िया लग रही हो तो आप लोग भी इंस्टॉल करा सकते हो, कुछ ऐसा लुक मिल जाएगा आपको ना। ये देखो टॉप मॉडल वाले साइड मिरर लगा दिया है भैया हमने इसमें। अब सुनो उस गाड़ी की आवाज़ यार, DD रेड लाइन सीरीज लगी थी इसके अंदर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एक्सेसरीज पर, और आज आपके सामने भाई फिर से एक और ब्रांड न्यू स्विफ्ट, और मेरे साथ में यहाँ पे मनीष भैया। कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया भैया। तो आज हम क्या दिखाने वाले भैया? स्विफ्ट दिखा देते हैं भैया। स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन LXI वेरिएंट है, इसको हम ZXI में कन्वर्ट कर रहे हैं। LXI वेरिएंट है, इसको हम ZXI में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या क्या कन्वर्ट कर रहे हैं वो तो भैया ही बताएंगे। इसकी जो है ना हेडलाइट में लगा दी हमने LED। अच्छा 180 वाट की, ठीक है। फॉग लाइट में LED लगाई है, नाइट आई की 72 वाट की, 72 वाट की नाइट आई की LED। नीचे भी है और ऊपर भी LED। ऊपर भैया कौन सी कंपनी की लगाई है? कंपनी डिलाइट की। जो डिलाइट वाली अपनी आ रखी है ना, जो आर पर वाली, वही लगाई है हमने इसके अंदर, जो कि आप लोग आके टेस्ट भी कर सकते हो पहले, फिर लगवा सकते हो ना। और क्या क्या और अभी इसमें गाड़ी में भैया? बाकी साइड मिरर लगा दिए हमने, ठीक है। मीटर लगा दिया, और गाड़ी भी डुअल टोन कर दिया ना। हाँ, डुअल टोन कर दी, लगने अभी अलॉय व्हील भी लगने हैं, बाकी भी देख लो भाई अलग सही है। डैम्पिंग भी कर दी भैया वाइबर की, मेड इन रशिया वाइबर की डैम्पिंग है। सिस्टम वगैरह भी लगा रहा है इसके अंदर ना? लगा रहा है। सिस्टम में क्या क्या लगा रहे हैं भैया? आपका DD के जो है रेड लाइन सीरीज का कंपोनेंट है, कोएक्सियल है, प्लग का स्टीरियो लग रहा है, कैमरा ब्लॉक पंखा लग रहा है। अच्छा, और भैया टेल लाइट वगैरह समथिंग? टेल लाइट से भैया जो नया वाला मॉडल है वो लगा रहे हैं। पक्की बात लगा रहे हैं? देखते हैं, चेक करा देते हैं। अगर भाई भैया कह रहे हैं, अगर उनको पसंद आई तो लगवा लेंगे, बाकी देख लेंगे जो भी एंड होगा वो तो आपको आप लोगों को पता चल ही जाएगा जब भी ये गाड़ी रेडी होगी। अभी की अगर मैं बात करूँ तो जो उसकी हालत है वो दिखा देता हूँ आपको, कैसी है। बाहर की साइड में डोर वाइजर वगैरह और साइड मिरर भी अपना भैया ये क्यों उठा रखा है? रैप होना भैया, ब्लैक कलर का रैप हो रहा है, क्योंकि ये अपना बॉडी कलर का आता ना, तो इसलिए रैप हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाड़ी के अंदर की, तो यहाँ पर देखो ये वाइबर वाली, ये भैया मेड इन रशिया है। मेड इन रशिया इसमें लिखा भी होता है। अच्छा, यहाँ पे लेजेंड HD लिखा हुआ और ये लिखा हुआ नीचे रशिया। वाइबर वाली भी डंपिंग है, जो कि आजकल हम अपनी गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर मीटर वगैरह भी लग रहा है भैया? हाँ भैया, मीटर भी है अपना, साइड मिरर भी है, स्टीयरिंग भी टॉप मॉडल वाला लगा, टॉप मॉडल वाला ही है। मतलब वो सारी चीज़ें तो है जो ZXI वाली होती है ना, तो भाई ये सारी चीज़ें अभी इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है। एक बार इस गाड़ी को ना कंप्लीट होने देते हैं। बाकी कंपोनेंट वगैरह DD के लगा रहे हैं, DD रेड लाइन सीरीज लगा रहे हैं अभी। बाकी जो जेनुअन सामान है भाई, ये अपना स्टीयरिंग हो गया ना, स्टीयरिंग ओरिजिनल है, मारुति सुजुकी जेनुअन बिल्कुल पैक है। इस पे MRP भी दिखा देता हूं, MRP देख लो भाई, ये देखो 5050 रुपये, जो हमने लास्ट वाली प्रोडक्ट वाली वीडियो के अंदर जो हमने दिखाया था ना वही है। और बाकी भाई पीछे से जो है वो कुछ ऐसी जैसे कंपनी से भी आती है ना, सेम वही है। ये मीटर का बॉक्स है ना? ये मीटर का बॉक्स है, इसमें डिग्गी लॉक भी लगा है। डिग्गी लॉक भी लग चुका है, ठीक है। तो एक बार इस गाड़ी को कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद दिखाता हूं उस गाड़ी की भाई पूरी मॉडिफिकेशन। और भी कुछ अभी इस गाड़ी के अंदर? इस गाड़ी में भी और अपना ये जैसे इनर हैंडल भी लगाया भैया, इसमें वो एम्बिएंट लाइटिंग भी लगा रहे हैं। एम्बिएंट लाइट भी लगा रहे हैं? कौन सी? K4 ही। कितने पीस वाली भैया? 6 पीस। 6 पीस वाली भैया वारंटी वगैरह देते हो आप? 1 ईयर वारंटी होती है। 1 ईयर की वारंटी इसमें आपको मिल जाती है अगर आप कार्डी कंपनी की लगवा रहे हो, क्योंकि हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो कार्डी करते हैं। कार्डी के शुरू से ही हमने कार्डी लगाई है और उसके अंदर आपको शुरू से ही वारंटी भी दी है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ उस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन विद जो ब्रांड न्यू अभी टेल लाइट आई है इसकी, नया वाला डिज़ाइन वो वाला लगा के दिखाएंगे भाई आप लोगों को, देखना कैसी लगती है गाड़ी। तो भाई ये लगा दी हमने नई वाली टेल लाइट इसकी, और एक बार इसका फीचर भी दिखाता हूँ भाई आप लोगों ने वैसे देखा है लेकिन गाड़ी पे लगी हुई कैसी लगती है एक बार वो चेकआउट कर लो। करना भाई ऑन करना यार। तो भाई कुछ इस तरीके से इसमें पहले स्कैनिंग वाला फीचर आता है, ठीक है। तो ये कुछ स्कैन करती है जैसे हमारी मर्सिडीज वाली करती थी ना, सेम वही है और उतना ही टाइम लेती है ये भी। ये देखो भाई, और ये एक बार ही करेगी, जितनी बार आप पार्किंग ऑन करोगे ना एक बार ये स्कैन जरूर करेगी, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है जैसे आपकी लाइट जलती है ये। उसके बाद भाई इंडिकेटर देना राइट वाला, ये कुछ इंडिकेटर हो गया, ब्रेक दबाना, ये आपका ब्रेक हो गया। और यहाँ पर ये जो 4 लाइटें दिख रही हैं ये आपकी रिवर्स वाली है। कैसी लग रही है भैया? बढ़िया लग रही है। बाकी भाई जिस भाई को अगर ये बढ़िया लग रही हो तो आप लोग भी इंस्टॉल करा सकते हो, कुछ ऐसा लुक मिल जाएगा आपको ना। ये देखो कुछ ऐसा लुक मिल जाता है आपको लगने के बाद। डिफ्यूज़र भी लगा दिया मर्सिडीज़ वाला इसके अंदर। और भैया आप टोटल कितनी टेल लाइट होगी इस गाड़ी के लिए? इसमें 4
चार पांच डिजाइन हो गए, चार पांच हो गए। मिनी कूपर हो गया, वीलैंड वाला हो गया, ये वाला डिजाइन, ये वाला हो गया, वो दूसरा लैम्बो डिजाइन, लैम्बो डिजाइन भी आता है। हाँ, तो ये सारे डिजाइन इसके अंदर हो गए हैं। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू आया था अभी, हमने सोचा आपको लगा के बिल्कुल दिखाना चाहिए गाड़ी पे एक्चुअल में लुक कैसा लगता है, तभी आप लोगों को पसंद आएगा। तो कुछ ये लुक आप लोग लगवा सकते हो, अगर आपका मन है लगवाने का तो भाई ये लगवाओ, बढ़िया लग रही है। सो गाइस फाइनली देखो यार गाड़ी रेडी हो चुकी है आप लोगों की, जो कि भाई हम लोगों ने आपको बताया था कि फ्रंट साइड में एलईडी जो हेडलाइट है इसमें हमने एलईडी इंस्टॉल करी थी, है ना। तो मैं भाई इसको एलईडी बोल रहा था लेकिन ये हेडलाइट में एलईडी होती है, हेडलाइट में एलईडी। तो बात करते हैं फॉग लाइट और हेडलाइट, ये ऊपर भी है ना 180 वाट बताई थी, 180 वाट ऊपर लगाया, 72 वाट नीचे लगाया, 72 वाट नीचे है। और अगर विजन की बात करूँ तो कुछ ये देखो भाई, ये कुछ रोशनी आपको देखने के लिए मिल जाती है जब हम इसकी हेडलाइट ऑन कर देते हैं, ये देखो ठीक है। और फॉग लाइट की कुछ ये है, तो ये इनफ है भैया, फॉग लाइट की होती है, है ना, इस वाली लाइट के लिए काफी ज्यादा इनफ है। बाकी आप हेडलाइट अगर ज्यादा पावरफुल चाहिए होता तो या फिर प्रोजेक्टर लगाते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई कुछ ये वाले, इस अभी हमने साइड मिरर पे भी रैपिंग कर दी है, हाफ बॉडी इसकी मतलब ब्लैक कर दी, हाफ बॉडी रैपिंग कर दी है, टॉप मॉडल वाले साइड मिरर लगा दिए हैं भैया हमने इसमें, और इसके अलावा जो भी इसमें ये चाबी से भी लॉक होगा भैया। अच्छा, इसमें रिले भी लगा दिए, रिले भी लगा दिए, ठीक है। ये टाइमली भाई, ये देखो देख रहे हो बिल्कुल रिमोट से आपके लॉक होके बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक पे अनफोल्ड भी हो जाते हैं। तो भाई ये फीचर आपको मिल जाता है, आपकी की से भी मिल जाएगा। और अगर बात करें इस गाड़ी के अंदर आपको Alexa में वो नहीं मिलती है, मैं पावर विंडो, पावर विंडो नहीं, पावर विंडो के साथ साथ हम लोग पावर विंडो क्या क्या चीज चेंज करते हैं भैया इस गाड़ी के अंदर, पावर विंडो लगाते हैं, डोर पैनल चेंज कर दिया हमने भैया इसमें, ठीक है, मिरर का स्विच लगा दिया, डोर पैनल इनर हैंडल लगा दिया, डोर पैनल लगा दिया, ट्विटर के सेंस लगा दिए, इसमें स्पीकर भी लगा दिया भैया, एम्बियंस लाइट लगा दी है K4 वाली हमने भी, ठीक है। उसके बाद भाई मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, वो भाई ये है इस गत्ते के अंदर जितनी भी चीजें डोर पैनल के अंदर जितनी भी चीजें चेंज होनी चाहिए वो इस गाड़ी के अंदर हमने कर दिया ना, एक गेट में जो चेंज होता है, साइड मिरर हमने बाहर की तरफ से लगा दिया, अंदर टूटा शेष भी हो गया, आपका डोर पैनल चेंज हो गया, आपका यहाँ पर जो मिरर का ऑप्शन आता है वो भी आ गया, यहाँ से दबाऊंगा तो मिरर आपके फोल्ड अनफोल्ड अंदर से हो जाएंगे, इवन रिमोट से भी हो जाएंगे, और ये वाला ऑप्शन आपका चेंज कर दिया ताकि गाड़ी का जो लुक है वो इनहेंस रहे, बढ़िया रहे। बात करते हैं गाड़ी के अंदर की, तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया था कि मॉडल वाला स्टीयरिंग लगा दिया अभी हमने इसमें, इसमें हमारे पास VXI वाला भी अवेलेबल है, अवेलेबल है, जो ZXI वाला भी है वो हम लोग लगाते हैं 6000 का, जो VXI वाला है वो लगाते हैं 4500 का। भैया एक वो वाला आता है ना साइड में वो निकला होता है, वो VXI वाला होता है, VXI वाला होता है, ठीक है, 4500 का, वो 4500 भैया। स्पीडोमीटर लगा दिया विद फ्रेम के साथ, 11500 का भैया, 11500 का। इसमें भैया अनप्लग का कारप्ले वाला 232 वाला स्टीरियो लगा दिया हमने, कार्डी की K4 एम्बियन लाइट लगा दी है, डैशबोर्ड का सिल्वर बेजल लगा दिया है, इसमें आपका गियर नॉब भी लगा चेंज कर दिया हमने टॉप मॉडल वाला, आर्मरेस्ट भी लगा दिया, आर्मरेस्ट लगा दिया BMW स्टाइल। तो ये गाड़ी को भाई कंप्लीट करता, टेल लाइट इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिया, हाँ जी, जो कि भाई आपने आपको सारे फीचर इसके दिखाई दिए, हेडलाइट भी चेंज नहीं कराई लेकिन उसके अंदर LED डलवा ली जिससे आर पार का रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। और गाड़ी के अंदर जब बंदा बैठता है ना तो उसको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि Alexa गाड़ी के अंदर बहुत ही हल्की चीज़ें आती है, मतलब बैठते ही उसमें लुक नहीं आता बिल्कुल भी ना, और फीचर्स भी नहीं आते जैसे आप जब भी गाड़ी ऑन करोगे अपनी, तो ये कुछ RPM वाला जो फीचर होता है ना भाई ये अच्छा लगता है, जब भी गाड़ी ऑन होती है तो ये जब चलता है ना तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और इसमें जो है ना भैया आप जो है ना मीटर की ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो, अच्छा ये देखो भाई अपने हिसाब से कर सकते हो, यानी कि किसी को तेज लग रही हो कम लग रही हो, दिन में भी काफ़ी अच्छा चलता है, लाइट बंद करोगे तो ऑलरेडी ये तेज हो जाता है और ऑन करोगे तो अपने हिसाब से डिम भी हो जाता है। तो बहुत सारे फीचर होते हैं इसके अंदर, टाइम वाइम ये वो, इसमें एवरेज वेवरेज सब बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है, अगर मैं चेंज करके दिखाऊं आपको तो ये देखो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है भाई, ठीक है, बहुत सारे फीचर थे इसके अंदर। उसके बाद भाई ये जो म्यूज़िक प्लेयर है ना इसके अंदर भी आपको भैया ने बताया कि 2GB का प्ले, 2GB का इसके अंदर आपको रैम मिला है, और ये सारे कुछ फीचर्स हैं। बाकी आपको इसमें DD लाइन का मैं सिस्टम भी लगाया था, और एक बार आवाज़ की बात करूँ तो भाई वो भी सुना के दिखाया था आपको, ताकि सिस्टम की क्या आवाज़ है कैसी आवाज़ है वो आपको पता चल जाए। और एम्बिएंट लाइट भी चेकआउट कर लो भाई, ये देखो कुछ ये एम्बिएंट लाइट है भाई, ठीक है, जो कि भाई अपनी है कार्डी की K4 सीरीज़, इसको आप ऐप कंट्रोल है, कुछ भी कैसे भी चेंज करो आपके हिसाब से सिंगल कलर भी हो जाएगी। आप सुनो उस गाड़ी की आवाज़ यार, DD रेड लाइन सीरीज लगी थी इसके अंदर। Kids screaming in the crate. I see the ice covered in pink and white. Hush. आवाज़ तो आर पार आ रही है, बाकी इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो भी चल चुका है। गाड़ी की मॉडिफिकेशन कंप्लीट है लेकिन गाड़ी के जो ओनर है ना वो कंप्लीट नहीं है हमारे साथ, तो भाई हमारे साथ थे लास्ट टाइम, भाई हमारे से स्विफ्ट करा के ले गए। जी भैया, जी भैया, है ना,
कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस आपका? भाई बहुत बढ़िया लगा, इसलिए दोबारा है ना। ठीक है, पहले मतलब सब कुछ सीखना पहले? हाँ, हाँ, पहले भाई ने अलग से टू जेड से करवाई थी। अरे बिल्कुल, मैंने इससे भी अच्छी करवाई थी पिछली बार। अच्छा, तो इससे ऊपर दी। हाँ, और आप इस वाले जो ये वाले भाई है इनकी गाड़ी है, बड़े भाई की गाड़ी है, हमारा इन बड़े भाई की गाड़ी है। और ये भाई कह रहे हैं कि नहीं, वो तो छोटे भाई जो लेके जो लेके आए हैं ना, वही सारा कुछ भाई ने करा, तुमने सर्च करा ना सारा जी, कुछ? जी जी। तो भाई ने बोला कि जैसा मेरी गाड़ी हुई थी समथिंग समथिंग वैसी बना देंगे। अब क्या कहते हो उस गाड़ी को, कहीं से कोई देख के कुछ बोल सकता है बेस मॉडल कहीं से भी? भैया वो पहले भी नहीं कह रहे थे, अब भी नहीं कहेंगे वो तो। हाँ ना, पहले वाली गाड़ी भी तुम्हारी आर पार लगी, पहले इससे ज्यादा आर पार थी, अभी उससे ज्यादा हो जाएगी। सही बात, धीरे करके सब कुछ कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी इस गाड़ी के अंदर जितनी भी भाई कमियां थी ना, वो सारी पूरी हो चुकी है। स्टेयरिंग, पावर विंडो, साइड मिरर, ये तीन चीज तो ऐसी होती है, मेन होती है। जी जी भैया, है ना, सही कह रहा हूँ भाई? आर पार है एकदम। चलो भाई, तो भाई आप एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर स्विफ्ट हम कर रहे हैं, जैसे आप कितने टाइम पहले करा के ले गए थे? भैया मैं जुलाई में लेगा था, जुलाई में। तो जुलाई से अब तक हाँ बहुत काम एकदम आर पार चल रहा है ना। तो इतने टाइम बाद भी भाई हमारे से दोबारा शिफ्ट कराने के लिए आए, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक का जो काम है वो तो बढ़िया ही, और इस वाली गाड़ी के अंदर भी आर पार हो ही जाएगा। बात करते हैं जब के और अब के प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग कहीं ऐसा लगा भाई आपको? कुछ चीजों में प्राइसिंग बढ़ा है, कुछ में घटा है, तो मतलब वो ये बैलेंस ही है कि जैसे स्टीयरिंग में प्राइस बढ़ा थोड़ा सा बढ़ा इसके अंदर, तो स्टीयरिंग में पहले कम था, तो बस वो है कि बैलेंस हो जाता है। इतना तो इतना नहीं है कि कभी ज्यादा हो कभी कम हो, तो चलता रहेगा भाई। एक आध चीज में ही बढ़ा होगा, क्योंकि स्टीयरिंग का मुझे पता है कि इसका प्राइस बढ़ा, बाकी सबका शायद सेम ही, बाकी सबका सेम ही है, क्योंकि भाई जानते भी तो इसलिए सेम ही रखा। पहले आपने स्पीकर जो डलवाए थे वो भी डीडी के, डीडी ऑडियो लगवाया था भैया, बेस बढ़िया नहीं आ रहा इस गाड़ी में, इसलिए तो लगवाया भैया दोबारा कि अच्छे लगेंगे। क्योंकि मेरे को पहले भी पता था कि डीडी ऑडियो मैंने पहले भी सुना है भाई। ये वाला जो सेटअप है ना, ये वाला सेटअप आप लोगों का वो है विदाउट एम्पलीफायर जी, और इतनी बढ़िया आवाज आ रही जी। है भाई, मैं तो कह रहा हूँ अगर इस तरह की गाड़ी आप लोगों को बनवानी है, आप लोग विजिट करो यार माही कार सीरीज पर, जो कि भाई मनीष भी आपको देते हैं आर पार लेवल की मॉडिफिकेशन, बहुत बढ़िया, चाहे स्विफ्ट और चाहे थार हो। भाई ने आज थार भी देख लिया काफी सारी, यहाँ थार तो भैया मिलेगी यहाँ पे, मिलेगी ना, एक बार को रुक जाएगी, थार तो मिलनी है। एक टाइम था भाई स्विफ्ट भी ऐसी खड़ी रहती थी, अब थार ज्यादा क्रेज, थार ज्यादा हो गया तो फिर वही वाली बात है। लेकिन हमारे स्विफ्ट वाले भाइयों का प्यार ही बहुत तगड़ा है, तो गाड़ियां हमारे पास डेली बेसिस पे होती रहती हैं। जैसे आज भाई ने करा लिया, कल कोई और भाई आएगा वो भी करा लेगा, और ये भाई थोड़े से हमारे क्लोज निकल गए हैं जी, है ना जी भैया। चलो भाई, आप लोगों को अगर इस तरह की स्विफ्ट बनवानी है, या फिर इसे धाकड़ धाकड़ जो भी मैं दिखाता रहता हूँ, आप लोगों को अगर करवानी है, आप लोग विजिट कर सकते हो भाई माही कार एक्सेसरीज पर। बाकी एक चीज देखो यार, ये देख रहे हो BMW बना दिया भाई ने, बिल्कुल M सीरीज बना दिया इस गाड़ी को। भाई ने बोला मुझे चाहिए साइड इंडिकेटर ढकने के लिए कुछ यूनिक, तो एक यूनिक चीज़ जो है उस गाड़ी के अंदर लग गई है, वो है ये वाला लोगो। देखो तो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, अगर आपको चाहिए तो भाई देख लेना भाई, वैसे ढूंढ के लेके आए थे हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी मार्केट में या तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से अरेंज करा देंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा तो ये भी अरेंज करा ही देंगे, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। आगे आप लोग कमेंट करके बताना, और मिलते हैं फिर आपसे माही कार सीरीज पर। साइड में नंबर आ रहा है, नीचे वीडियो के नंबर भी आ रहा है, कॉल मैसेज व्हाट्सएप सब कुछ भी करके आप लोग पता कर सकते हो। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर किसी एक नई स्विफ्ट के साथ। टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दू उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जप तपहाड़ा, फिकर का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने है डमरू फाड़ा।